नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टडी लर्न। आज की स्टूडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेविका सहायिका की तरफ से आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसको लेकर के यहाँ पर जो है बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सेविका सहायिका की वैकेंसी कब आएगी। फाइनली यहाँ पर जो है ये वैकेंसी आ चुकी है और इनका एक ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया है। कौन कौन इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, कब से इनका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और किस प्रकार यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि किन किन पंचायतों में कितना कितना सीट खाली है सेविका सहायिका के लिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो तक बने रहिए। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो नोटिस को जारी किया गया है और यह छठा चरण में यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की वैकेंसी को यहाँ पर जो निकाला गया है और इस प्रकार यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सूचना को जारी किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि सभी संबंधितों यानी कि सूचित किया जाता है कि विभिन्न जिलों में सभी जिलों के यहाँ पर जो स्वीकृत केंद्रों के विरुद्ध शेष बचे रिक्त केंद्रों के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पदों पर यानी कि चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन हेतु यानी कि परियोजनावार रिक्त संबंधित वार्ड बहुलक वर्ग आदि एनआईसी की वेबसाइट यानी कि इनकी वेबसाइट पर यहां पर जो अपलोड कराया जा चुका है, जिसे यहां पर इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। तो यहां पर सभी जिलों के लिए जितने जितने सीट खाली हैं यानी कि बचे हुए, तो उन्हीं पदों पर यहां पर इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और यहां पर बताया गया कि बाल विकास परियोजना कार्यक्रम प्राप्त किया जा सकता है, जिनमें यहां पर देख पा रहे रिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों स्वीकृत यानी कि ये सब रिक्त केंद्रों के लिए यहां पर जो है पंचायत वार्ड बहुलक इन सब का यहां पर जो सूचना वगैरह पट यहां पर जो है जारी कर दिया, यानी कि नोटिस जो इसके लिए जारी कर दिया गया है। यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखिए बताया गया कि रिक्त पदों हेतु आवेदन की समय सीमा उपबंधित मेगा सूची प्रकाशित, यानी कि इसके लिए क्या कब से उनका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, कब इनका मेगा सूची जारी होगा, पूरी यहां पर डिटेल दी गई है। तो यहां पर देख पर इनका जो है 14/1/2021 को यहां पर जो नोटिस जारी कर दिया गया था देख पर इनकी वेबसाइट पर, और इनका ऑनलाइन आवेदन देख पा रहे हैं कि 16/1/2021 यानी कि आज से ही इनका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और इनकी अंतिम तिथि 30/1/2021 यहां पर जो रखी गई है। हम आपको बताएंगे कि कहां पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यहां पर देखिए औपबंधिक मेगा सूची, तो यहां पर मेगा सूची प्रकाशित होगी 8/2021 को बाल विकास परियोजना कार्यालय प्रखंड कार्यालय, तो आप माने कि प्रखंड कार्यालय में वहां पर जो नोटिस वगैरह दे दिया जाएगा सप्ताह के लिए, यहां पर किया जाएगा यानी कि मेगा सूची को। और यहां पर आपत्ति लेने के लिए, अगर आप आपत्ति वगैरह लेना चाहते हैं तो यहां पर 9/2/2021 से लेकर के 17/2/2021 तक यहां पर जो ले सकते हैं। आम सभा की यहां पर तिथि देखिए जारी कर दी गई है यानी कि सिलेक्शन के लिए, तो 19/2/2021 यहां पर जो प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां पर कौन कौन इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाला है, वो भी यहां पर मेंशन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ आवेदिका सभी वंचित दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट तथा मैट्रिक अंक पत्र, तो यहां पर मैट्रिक यहां पर आपका अंक पत्र लगने वाला है, और सहायिका के लिए अष्टम अंक पत्र यानी कि 8 क्लास का आपको अंक पत्र लगने वाला है यहां पर सहायिका के लिए, तो देख पा रहे हैं कि 8वीं और मैट्रिक लेवल पर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ साथ यहाँ पर देखिए मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, अगर यहाँ पर विधवा है तो विधवा प्रमाण पत्र विधवा अभ्यर्थी के लिए, और विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर जो है लगने वाला, इन सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट आउट अवश्य ले लेना है, सो इस प्रकार यहाँ पर देख पा रहे कि दिया गया है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी वगैरह लेना चाहते हो तो यहाँ पर एक हेल्प यानी कि टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, आप इसके यहाँ पर जो यानी कि जानकारी ले सकते हैं। सो इस प्रकार यहाँ पर देख पा रहे कि नोटिस को जारी किया गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी वेबसाइट पर आपको जाकर के इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है और किस प्रकार आप यहां पर मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि किन किन वार्ड में यानी कि किन किन पंचायतों में कितना कितना सीट खाली है सेविका सहायिका के लिए। सेविका सहायिका वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक हमने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद कुछ इस प्रकार खुल करके आ जाएगा, यहां पर देख पा रहे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सेविका सहायिका के लिए यहां पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको चेक करना है कि किन किन पंचायतों में कितना कितना सीट खाली है, उसके लिए आपको यहां पर वैकेंसी डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर जो है क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहां पर जो है अपना पोस्ट सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे सेविका के लिए सहायिका के लिए इस तरीके से आप उनको यहां पर चूज कर लेंगे। उनके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आप यहां पर किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में यहां पर जितना सीट खाली होगा उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप यहां पर जो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट यहां पर जिला का नाम आ चुका है, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे जहां से भी है आप इस तरीके से उनका यहां पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद आपको अपने यहां पर ब्लॉक सिलेक्ट करना है, तो यहां पर आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना पंचायत सिलेक्ट करना है कि आप यहां पर किस पंचायत में रहते हैं, तो यहां पर देखिए तीन पंचायत सो रहा है, तो अभी यहां पर जो है तीन ही पंचायत के लिए यहां पर जो है यानी कि सीट खाली है, इस वजह से यहां पर तीन ही पंचायत का नाम सो रहा है, तो इन्हीं तीन पंचायत के लिए आप यहां पर जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहां पर व्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर जो क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सीट खाली, इस तरीके यहाँ पर देख पा रहे हैं सारा डिटेल दिया गया है। यहाँ पर पंचायत का नेम दिया हुआ, वार्ड नंबर दिया हुआ, पोस्ट का नेम, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कोड वगैरह, तो यहाँ पर फेज सिक्स, इसके लिए आप देख पा रहे हैं कि सीट खाली है। इस प्रकार यहाँ पर आपको जो है चेक कर लेना है, तो यानी कि फेज सिक्स यानी कितना सीट खाली है, तो आप इसके लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। सो इस प्रकार आप यहाँ पर अप्लाई करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि किन किन यहाँ पर पंचायतों में कितना कितना सीट यहाँ पर जो खाली है। उसके बाद आप यहाँ पर गो टू होम वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। और यहाँ से भी आप इनका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर नया पंजीकरण वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं, आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिंक काम नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर जो लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लिंक अभी यहाँ पर जो है काम नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि अभी इनका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आज से इनका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर इनका लिंक एक्टिवेट होता है, जैसे इनका ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है, हम आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके बता देंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर सेविका सहायिका के लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए यहाँ पर देख पा रहे कि पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्या क्या यहाँ पर आपको लगने वाला है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा लोग यहाँ पर कॉमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा, जैसे यहाँ पर इनका लिंक एक्टिवेट होता है। तो फिलहाल अभी इनका नोटिस ही जारी किया है, लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी हो सके।